हेलो फ्रेंड्स, जैसा ही नमस्कार सभी को। आप सभी को पता है कि रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी की एग्ज़ाम कब होगी। अभी सभी विद्यार्थियों के मन में केवल एक ही सवाल है कि आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी की एग्ज़ाम डेट कब होगी। तो दोस्तों, हम आपको आज बताएंगे कि आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी की एग्ज़ाम डेट कब होगी, और रेलवे में दोस्तों नई भर्ती भी आने वाली है, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। लेकिन हम आपको बताएं इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हो, तो सबसे पहले हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, रेड कलर के सब्सक्राइब को दबा दीजिएगा। इससे कि क्या आप शिक्षा से जुड़ी सभी नई अपडेट आपके अपने चैनल ककरोड़ी मित्र पर सबसे पहले पाएंगे। तो दोस्तों, थैंक यू, आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब किया। अगर आपको कोई डाउट भी हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप जैसा कि देख रहे हैं, ये इंडिया टीवी की न्यूज़ की आज की लेटेस्ट खबर है। तो दोस्तों, इसमें आप देख पा रहे हैं कि रेलवे के दूसरे चरण की भर्ती नज़दीक, लेकिन आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी की परीक्षा का अब तक का पता नहीं। यानी नई भर्ती आने वाली है दोस्तों। न्यू वैकेंसी जो पिछले साल वादा किया गया था वो भी जारी करने वाला है नोटिफिकेशन, और अभी तक ये एग्ज़ाम डेट का पता नहीं चल रहा। तो दोस्तों, इसमें हम आपको बता देंगे, आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी की भर्ती के तहत 1,31,428 पदों की भर्ती की जानी थी, जो कि इस साल अप्रैल मई तक पूरी की जानी थी, लेकिन अब तक परीक्षा का कुछ पता नहीं है। तो दोस्तों, इसके के रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं। यहाँ पे रेलवे ने बड़ी संख्या में पदों की वैकेंसी निकाली। पहले चरण की प्रक्रिया समय पूरा हो गया, लेकिन परीक्षा तय नहीं। दूसरे चरण की भर्ती का समय नज़दीक आ गया, अर्थात दोस्तों नए नोटिफिकेशन भी जारी होने वाले हैं। आप ये बड़ी खुशखबरी है। तो दोस्तों, इस प्रकार रेलवे मंत्रालय द्वारा पिछले साल बंपर भर्ती की घोषणा की गई। इस भर्ती के जरिए बहुत से लोगों को रोज़गार दिया जाना था। मंत्रालय के मुताबिक इससे सीधे तौर पर 230,000 नौकरियाँ दी जाएंगी। इससे लेकर मंत्रालय ने भर्ती प्रक्रिया को दो चरणों में पूरा किया जाने की योजना बनाई, लेकिन मंत्रालय पहले चरण की भर्तियों को लेकर कोई फैसला नहीं कर पाया। रेलवे द्वारा जारी शेड्यूल मुताबिक दूसरे चरण की भर्ती करीब है, लेकिन पहले चरण की भर्ती परीक्षा को लेकर अब तक कोई फैसला नहीं लिया जा सका। अर्थात दोस्तों, ये वैकेंसी अभी रेलवे ग्रुप डी व एनटीपीसी के एग्ज़ाम डेट भी अप्रैल मई तक होने वाली है। ये फरवरी के एंड तक शेड्यूल जारी हो जाएगा रेलवे का। तो दोस्तों, आप अपनी तैयारी को बरकरार रखें और हमारे ककरोड़े मित्र चैनल सब्सक्राइब करें, इससे कि आपको इसी प्रकार नई सूचना के साथ आपको हम अपनी वीडियो अपलोड करते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों।